किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अतः हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट में स्थित गाँव डहरा पड़ा। लगभग 5,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान पिंकी देवी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए, तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए, तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 10 सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 130 शौचालयों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवास का भी निर्माण कराया है, तथा गांव को स्वच्छ रखने के लिए 15 कूड़ेदान गांव में लगवाए गए हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 17 हैंडपंप लगवाए गए हैं, तथा 4 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से दरकार है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 7 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान रिंकी देवी, ग्राउंड डहरा PC टाइल्स सड़कें बनवाई हैं, 5 RCC सड़कें बनवाई हैं, 130 शौचालय बनवाए हैं और शौचालय बनवा रहे हैं, और हमने 13 प्रधानमंत्री योजना के आवास दिलवाए हैं और 15 कूड़ेदान रखवाए हैं। हमारे गांव के अंदर पंचायत भवन नहीं है, हमारे गांव के अंदर इंटर कॉलेज नहीं है, जिससे हमारे गाँव में बहुत बच्चों को बहुत परेशानी पड़ती है। इसलिए हमारे गाँव में इंटर कॉलेज बनना चाहिए, जिससे हमारे गांव के बच्चों को दूर जाना ना पड़े। और हमारे गांव में बहुत ऐसी परेशानी है, गांव में लाइट नहीं लगी है, जिससे हमारी किस्त बढ़ाई जाए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर ना मिलने के कारण गांव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। ये ग्राम डहरा के निवासी हैं, इनको एक प्रधानमंत्री आवास सरकार की तरफ से मिला है, इनके प्रधान जी ने बहुत सपोर्ट करा है, जिससे इनका आवास मिला। खान साहब, मेरा नाम रामवीर सिंह, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय डहरा। प्रधान जी ने साहब अच्छा काम कर रहे हैं, और सफाई वफाई भी सुबह आते हैं, और उसके बाद में प्रधान जी ने मैंने कहा एंटीबायोटिक सब बनवा रहे हैं, कह दिया है 2-4 दिन के बाद जो सब काम करा देंगे, बोल्टी वगैरह सब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे।